हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट को डिस्कस कर रहे थे और साथ में हमने उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को और उनके जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो देखे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के एक पार्ट को और देखेंगे, जिसके अंदर हमारा जो एक तरह से एक अलग तरह का डेटा होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पाई चार्ट, जिसको हम पाई चार्ट जिसके हिंदी में आप आरेख लेखा आरेख भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए तो हम पहले पाई चार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पाई चार्ट, अब पाई चार्ट जो होता है हमारा, ये एक तरह से हमारे पास एक सर्कल होता है और उस सर्कल्स के अंदर आपका एक डेटा गिवन होता है। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, कभी कभार डेटा जो होता है आपका डिग्रीज में होता है और कभी कभार जो डेटा होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में होता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कितनी डिग्री में कितना परसेंटेज हमारा कन्वर्ट होता है या कितने परसेंट में कितना डिग्री हमारा होता है। तो डिग्री से कभी कभार हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी कभार परसेंटेज से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको पहले डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताऊंगा, उसके बाद हम परसेंटेज से डिग्री में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज करिए हमारे पास एक इस तरह का एक पाई चार्ट है, एक डेटा दे रखा है। तो ये सर्कल के फॉर्म में है, तो थोड़ा जो इसका पिक्टोरियल है जो अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं हो पाया मेरे से। तो ये जो सर्कल होता है, तो हमने अपनी पहली की क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसी तरह से इसमें इसे हम परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक एक उदाहरण के लिए हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास एक यानी 100% इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। आप इसे देख सकते हैं कि ये आपका एक सर्कल है, ये 360 डिग्री में है, और अगर हम परसेंटेज में बोले तो एक तरह से कंप्लीट सर्कल को हम 100% लिख सकते हैं। तो 100% इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जैसे जैसे हम इसके नीचे जाएंगे उसकी डिग्री की वैल्यू हम निकालते रहेंगे। अब सपोज करिए हमने दोनों टर्म को 10 से डिवाइड किया, दोनों टर्म को हमने 10 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 10% इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। 10% इज इक्वल्स टू 36 डिग्री। अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे फर्दर 10 से डिवाइड करते हैं, तो 1% इज इक्वल्स टू 3.6 डिग्री। ओके, तो ये हमारा 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन डिवाइड बाय 10 परसेंट इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री। कुछ और वैल्यूज हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम तो 50% हमारा कितना होगा, 50% अगर हम निकालेंगे तो अगर हम पहले वाले को इसको 100% को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 100% से अगर 100% को 2 से डिवाइड किया तो 50% आ जाएगा, और 360 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से कुछ और वैल्यूज है, इसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो कितना आएगा, 25% इज इक्वल टू, इसे आप फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री। उसी तरह से 10 डिग्री को आप 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5%, और 5% कितना होगा, 5% हो जाएगा इसका आधा 36 का, जो कि बराबर होगा 18 डिग्री के। उसी तरह से 5 को फर्दर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5%, और 0.5% इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 डिग्री। तो ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं आपके लिए जो आप अपने एग्जाम में ध्यान रखेंगे। तो जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन डिग्री की फॉर्म में हो सकता है, वो क्वेश्चन परसेंटेज की फॉर्म में हो सकता है, तो आपस में कैसे हमें इनको इंटरचेंज करना है ये हमको पता होना चाहिए। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन फर्दर हमने से 10 से डिवाइड किया तो 10% इज इक्वल टू 36 डिग्री, हमने इसको फर्दर 10 से डिवाइड किया, 1% इज इक्वल टू 3.6 डिग्री, देन अगेन हमने 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50% इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने अगेन इसको 2 से डिवाइड किया 25% इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगेन हमने 10% को 2 से डिवाइड किया तो 5% आ जाएगा, अदरवाइज 25% को भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। इसको फिर से हमने 10 से डिवाइड किया तो 0.5% इज इक्वल टू
1.8 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप इन वैल्यूज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है पाई चार्ट की जब फॉर्म में, जब हमें परसेंटेज निकालना होता है। तो इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कैसे हमें परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इतना कर लेंगे तो आपका एक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, एक वैल्यूज में, एक में आपको डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। बहुत ईजी होगा, बहुत आराम से हम कर लेंगे। तो आप इस वैल्यू को नोट कर लीजिएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है परसेंटेज की फॉर्म में। परसेंट, देन 22%, देन 10%, देन अगेन 3%, और अगेन 22%, सॉरी 10%। ये कुछ ऐसे डायग्राम्स हैं। हाँ, ये थोड़ा रॉन्ग बन गया है क्योंकि एक अगर देखिए तो 10% ज्यादा लग रहा है 22% से, बट मैंने आपको एक बता दिया है कि आप इसको थोड़ा अगर शेयर की फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत रहेगा, तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। ये 55% है, ये टोटल कंप्लीट सर्कल आपका 100% होना चाहिए। मैं हम ऐड कर लेते हैं 55 + 70 = 77, 77 + 3 = 80, 80 + 10 = 90, 90 + 10 100, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट सर्कल, हो गया 100% से। आप इसकी वैल्यूज को आप भली एक तरह से इग्नोर कर दें तो आप हम देखें ये ए है, देन ये बी है, देन सी डी एंड ई। अब हम क्या करते हैं इस परसेंटेज को हम डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो पहले हम ए को करते हैं। तो ए की वैल्यू हम देखें तो ए की वैल्यू हमारे पास है 55%। कितना है स्टूडेंट? 55% है। हम 55 को ब्रेक कर सकते हैं कैसे? जैसे हमने पहले क्लास में ब्रेक किया था, कैसे किया हमने? 50% + 5% कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे 50% को? 50% को हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कितनी वैल्यू होती है 50% की। 50% की वैल्यू होती है 180 डिग्री प्लस बी। 5% कितना होगा? 5% होता है 18 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा स्टूडेंट वैल्यू? हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 198 डिग्री। देन अगेन हमारे पास बी है, बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? बी की वैल्यू है हमारे पास 22%। अब 22% को हम कन्वर्ट करते हैं, 22% को कन्वर्ट करने के लिए सेम मेथड, 22 को फिर से फर्दर हमें कन्वर्ट किया, 20% + 2% फर्दर हम 22 को 20% कितना लिखेंगे? 20% को ब्रेक कर सकते 10% की फॉर्म में, तो इसे फर्दर हमने ब्रेक किया 10 × 10% × 2 + 1% × 2। तो क्या हो जाएगा? 10% हमने कितना निकाला था? 10% हमने निकाला था, 10% हमारे पास होता था 36 डिग्री इंटू 2 + 1% कितना होता है? 1% 3.6, 3.6 × 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 डिग्री + 7.2 डिग्री। तो इसको आप फर्दर ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, तो 72 ये आ जाएगा आपके पास 79.2 डिग्री। तो 79.2 डिग्री हो जाएगा। ये होगी आपकी बी की वैल्यू। उसी तरह से सी की वैल्यू निकालते हैं, तो C की वैल्यू तो बहुत इजी है, तो C की वैल्यू अगर आप इजी करेंगे, इसको करेंगे, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, शायद रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा आपके साथ। तो ये हो जाएगा 79.2 डिग्री। अब देखिए C की वैल्यू 10% है, तो C की वैल्यू 10%, ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि 10% कितना होता है? अभी हमने देखा था 10% = होता है 36 डिग्री। ओके, तो D की वैल्यू अगेन 3% है। 3% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें?
सॉरी 3% है, डिग्री नहीं, 3%। 3% को निकालने के लिए क्या करना है, 1% इंटू 3, ये फर्दर हमारा इक्वल हो जाएगा। 1% कितना होता है हमारा, 3.6, 3.6 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6 3 18, देन 1 कैरी, देन 10.8 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो 10.8 डिग्री हो गया, और हमारे पास ई आ गया फिर से, ई की वैल्यू फिर से 10% है, तो 10% की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी अगेन 36 डिग्री। ओके, तो अगर आप इनको सभी को सम करेंगे, 198 प्लस 79.2 प्लस 36 डिग्री प्लस 10.8 डिग्री प्लस 36 डिग्री, ये बराबर आपका आ जाएगा 360 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, इसमें हमने परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर से, उसके अंदर हम डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, कैसे डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हमें, और परसेंटेज से और कैसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में कभी कभार ये आता है, और मैक्सिमम आता है कि हमें डिग्री दे रही होती है और हमें परसेंटेज में उसको निकालना होता है। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, तो दूसरे क्वेश्चन में जरा हमें एक डिग्री के फॉर्म में लेते हैं और उसको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम सेम मेथड से, नाइंटी डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, देन अगेन 54 डिग्री एंड देन 36 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। ये तो ये हो जाएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, आपका जो सम आएगा वो आपका सम हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए, तो 90 को ऐड करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 162 प्लस 54, और ये 54 आपका 108 हो जाएगा, तो पूरा मिला के आपका 360 डिग्री के फॉर्म में हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमें ए और ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालनी है हमको परसेंटेज के फॉर्म में, तो परसेंटेज के फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखिए, तो अब देखिए हमने ए की वैल्यू है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब होता है 360 बाय 4, तो एक तरह से 1/4 होता है, सर्कल का 1/4 होता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एक फॉर्म में हम इसका 90 डिग्री को हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, वैसे तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय 4 लिख सकते हैं, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, और 360 डिग्री कितना होता है, 100% होता है, तो 100% डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 25% हो गया, 25% हो गया। बी की वैल्यू है 72 डिग्री। अब देखिए 72 डिग्री जो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 36 डिग्री का मतलब होता है 10%, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36 डिग्री इंटू 2, जो कि बराबर हो जाएगा 10% इंटू 2, जो कि बराबर हो जाएगा 20% हो जाएगा, तो 72 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 20%। फर्दर हमारे पास एक और है सी का, तो सी में एक हमें है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री को हम फर्दर इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब देखिए 36 डिग्री लिखा था हमने, 36 डिग्री प्लस 18 डिग्री पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, 36 डिग्री प्लस 18 डिग्री, अब देखिए 36 डिग्री कितना होता है, 36 डिग्री होता है 10%, और 18 डिग्री कितना होता है, 18 डिग्री होता है 5%, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15
परसेंट, ये हो जाएगा 15%। अगेन डी, डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, डी की वैल्यू है 36 डिग्री, डी की वैल्यू है 36 डिग्री। एक बार फिर से वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा, इसका सम जो है 360 के बराबर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, एक वैल्यू मिस हो रखी है उसको भी लिख लेते हैं। ये E54, यस, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 54 के दो पार्ट हैं, ये भी 54 है और ये भी 54 है, तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा F, ओके। तो अब आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा मिस्टेक था, तो मैं देखना भूल गया था, तो A B C D E F, तो D का पार्ट, D में कितना है, D में है 36 डिग्री, जो कि बराबर कितना होगा, 36 डिग्री का मतलब कितना होता है, 10% होता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए E और F, E और F एक ही वैल्यू है, E और F एक ही वैल्यू है, बल्कि हम 54 डिग्री पहले भी लिख चुके हैं, तो 54 डिग्री का हमने वैल्यू कितना लिखा था, 54 डिग्री की वैल्यू हमने लिखी थी 15%, ओके। तो अब देखिए हमारे पास दो वैल्यू हो गई, अब सारी वैल्यू आ चुकी है, तो एक कैलकुलेट करेंगे, E और F अलग अलग है, चाहे तो आप उसको अलग लिख सकते हैं, F को अलग से आप लिख सकते हैं, F की वैल्यू भी आपकी जो है 54 डिग्री है, जो कि बराबर है 15% के। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, अब ऐड करेंगे तो आपका वही आंसर आना चाहिए, 25 + 20 = 45, 45 + 15 = 60%, 60 + 10 = 70%, 70 + 30 = 100%, ओके। तो ये आपका पूरा का पूरा हमने आ गया, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, माइनर सी, तो मैंने E को 54 लिख दिया था, बल्कि E और F दोनों 54 था, एक ऐड करेंगे तो, क्योंकि ये जो कंप्लीट आपका है सर्कल है वो 360 का, और अच्छी हम इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 90 डिग्री + 72 डिग्री + 54 डिग्री + अगेन 36 डिग्री + 54 डिग्री + 54 डिग्री अगेन, इसको आप जब ऐड करेंगे तो आपका 360 डिग्री में होना चाहिए, जो कि बराबर है हमारे 100% के। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन को देखा इसको, और इसको कन्वर्ट करके देखा, तो बहुत इजी है ये, आप प्लीज इसको एक बार फिर से देखेंगे, एक दो बार आप रिपीट करेंगे, एक बार रिविजन करेंगे, तो आप इसको आराम से कर लेंगे। और काफी स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं बहुत जल्दी इनके सॉल्यूशंस भी आपको लेक्चर्स में करा दूंगा, और अगर आपका कोई सजेशन है हम लोगों के लिए आप हमें जरूर भेजिएगा, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।